26 दिसंबर 1980 रेंडलशैम फॉरेस्ट इंग्लैंड जो कि अपने अजीब गरीब एलियन एनकाउंटर्स के लिए जाना जाता है। उस रात ऑफिसर जॉन यूएस एयरफोर्स पर ड्यूटी कर रहे तभी उन्होंने अचानक रडार में जंगल में कुछ गिरा हुआ देखा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े और जैसे ही वो उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने लगे तो उन्हें बहुत ही तेज रोशनी दिखाई। जैसे जैसे वो रोशनी की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही, इलेक्ट्रिसिटी जैसी आवाजें तेज हो रही थी जैसे कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और उनके रोंगटे खड़े हो रहे, मानो जैसे हवा में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही हो। लेकिन जैसे ही वो और करीब गए तो उन्होंने बहुत बड़ा क्राफ्ट देखा और वो क्राफ्ट ब्लैक कलर का 7 फीट ऊंचा था। उसके ऊपर बहुत ही अजीब और गरीब से सिंबल्स बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने उस एक क्राफ्ट को छुआ फिर कुछ ऐसा हुआ जो उनकी समझ के भी बाहर था। उनके सामने 0101 की कुछ तस्वीरें चलने लग गई। 0101 समझ लो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और वो कंप्यूटर लैंग्वेज उनके दिमाग में चलने लगी और ऐसा सिर्फ ऑफिसर जॉन के साथ ही हो रहा था, बाकी किसी को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 0101 जो कि बाइनरी कोड्स होते हैं, लेकिन वो टाइम तो था 1980s, अभी तक तो कंप्यूटर कोर्स नहीं आया था, तो उस जमाने में ऑफिसर जॉन के दिमाग में कोई कोर्स कैसे डाउनलोड कर रहा था। ऑफिसर जॉन को जो कोर्स दिख रहा था 0101 उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको अपनी डायरी में नोट कर लिया। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, सालों गुजर गए और सालों बाद जाकर इस बाइनरी कोड को एक कंप्यूटर ने जाकर पढ़ा और जब कंप्यूटर ने इस कोड को डिकोड किया तो उससे जानने के बाद अभी लोग दंग रह गए। उसमें लिखा था, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज फॉर प्लानेटरी एडवांस योर आईज ऑफ योर आईज ओरिजिन ईयर 8100। और जब साइंटिस्ट ने ओरिजिन ईयर 8100 को देखा तो ये सब सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद ये एलियंस नहीं है, ये कोई फ्यूचरिस्टिक इंसान हो सकते हैं, मतलब टाइम ट्रैवलर्स। और जो लोग उस क्राफ्ट के नजदीक थे वो कुछ महीनों तक बीमार भी रहे, जैसा कि रेडिएशन का असर उनके ऊपर हुआ। काफी दिनों तक उन लोगों को अजीबोगरीब ख्वाब भी आने लग गए थे, वो भी फ्यूचर से रिलेटेड। उन्हें कुछ इस तरह के ख्वाब आ रहे थे जैसे कि फ्यूचर से कुछ लोग पास्ट में आ रहे हैं कि उन्हें कुछ करेक्ट करना है, कुछ सही करना है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही कुछ भयानक, कुछ ऐसा भयानक हुआ है कि वो मजबूर हो चुके हैं टाइम ट्रैवल करने, कुछ ऐसा कि उस चीज को ठीक करना ही पड़ेगा किसी भी हालत। अब इस मैसेज को देखकर हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, कुछ तो अजीब है, या तो वो वाकई में फ्यूचर से आए इंसान थे या फिर वो एलियंस भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में आता ही है कि क्या एलियंस वाकई में है? देखो पास्ट में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने ये प्रूफ तो किया है कि एलियंस हो सकते हैं, और यूएस गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि एलियंस तो है, क्योंकि इन वीडियोस में जिस रफ्तार से ऑब्जेक्ट्स दौड़ते हैं या यूएफओ की स्पीड है वो किसी भी क्राफ्ट की अब तक हुई नहीं है। इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी ही अर्थ पर सिर्फ लाइफ होना अजीब सी बात नहीं लगती? साइंटिस्ट अभी तक ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि हम हैं तो क्यों हैं, हमें ऐसे बनी ये अर्थ, आसमान, सूरज, सितारे, सबके पास थ्योरीज ही हैं, सब थ्योरीज को ही मानते भी तो है ना, लेकिन एलियंस की थ्योरी आकर क्यों नहीं मानी जाती? यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और शायद कर भी ना पाए। लेकिन एक चीज जो हमारी साइंस भी मानती है कि जहाँ खाना है वहाँ पर लाइफ भी मिल ही जाएगी। जो भी इंसान होने के नाते हम ये नहीं सोचते कि हम हैं तो क्यों हैं, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये जरूर होता है कि खाने में आज क्या पकाए। फूड इज एनर्जी, मतलब एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ हो। चलो अगर मान लो कि कहीं और भी लाइफ है तो क्या वो एलियंस हमारी ही तरह दिखेंगे? हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है। शायद छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, डायनासोर्स की तरह बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, हमारी तरह इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो हैं भी तो वो हमसे छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हैं और वो यहाँ पर घूम क्यों रहे? जैसे कि उन कोर्स को डिकोड करने पर लिखा हुआ था, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, शायद हम पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सीख रहे हैं, बिल्कुल हमारे साइंटिस्ट की तरह। और शायद वो इतनी दूर से आए हों कि उनके पास लौटने का कोई रास्ता ही ना बचा हो और वो कुछ अपना टाइम अर्थ पर गुजार रहे हों, कोई एनर्जी सोर्स ढूंढ रहे हों वापस जाने के लिए, और वो सामने भी इसलिए नहीं आना चाहते हो क्योंकि उन्हें डर लगता हो कि कहीं इंसान हम पे एक्सपेरिमेंट ना करने चाहे। लेकिन इन चीजों का उनको कैसे पता? भाई एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, वो जानते हैं हमारे बारे में सब कुछ। चलो मान लेते हैं कि वो हमारे सामने आ भी जाते हैं तो हम उनसे बात क्या करेंगे? कौन सी लैंग्वेज होगी? क्या वो सिर्फ साइन लैंग्वेज होगी? क्या वो इतने इंटेलिजेंट होंगे कि उन्हें हमारी लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी? ये तो सोचने वाली बात। लेकिन हम उनसे या वो हमसे बात ही क्यों करेंगे? एलियंस अगर अर्थ पर आए हैं तो इसलिए आए होंगे ना क्योंकि
उनके अंदर होगी क्यूरियोसिटी, जो इस वक्त यूनिवर्स को समझने के लिए हम सब में भी है। लेकिन ये बात भी ठुकराई तो नहीं जा सकती ना कि शायद एलियंस वो ना हो, वो फ्यूचर से आए हुए कोई इंसान हो जो कि कुछ सुधारने के लिए, कोई करेक्शन करने के लिए आए हो। उनसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसे वो मजबूर हो गए टाइम ट्रैवल करने पर पास्ट में आते हैं उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर। और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं कह सकते एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो करते हैं, क्योंकि आप भी तो किसी और प्लैनेट के लिए एलियंस ही हो ना। मतलब मैं भी, एक तो हमारी गवर्नमेंट है जो की सच को छुपा कर बैठी हुई है, और अगर एलियंस उन्हें मिले भी होंगे तो वो हमें क्यों बताएं? नहीं बताएं कि वो दूसरे कंट्रीज को ये पता चलने थोड़ी दे सकते हैं। और आप जानते हो क्यों? बताने की कोई जरूरत नहीं है।